हमारे प्यारे प्यारे दो सब्सक्राइबर सब लोग मेरे कब से मेरा वीडियो देखते हैं भैया? एक साल हो गई है समथिंग। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बोल दीजिए हमारे चाहने वाले को फॉलो कर देंगे। बिल्कुल फॉलो करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम चलते हैं RDS कॉलेज के अंदर में और आप लोगों को मेला दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या सब चीज़ें, सारी चीज़ की जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे बताएंगे, बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजू सोनी यूट्यूब चैनल में। तभी आप लोग देख सकते हैं आपका भाई RDS कॉलेज में और अभी हम RDS कॉलेज में आप लोगों को बोलबम का मेला दिखाने वाले कि कहाँ पे क्या सब चीज़ें। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और हमारे प्यारे प्यारे दो सब्सक्राइबर कब से मेरा वीडियो देखते हैं भैया? एक साल हो गई है समथिंग। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बोल दीजिए हमारे चाहने वाले को फॉलो कर देंगे। बिल्कुल फॉलो करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम चलते हैं RDS कॉलेज के अंदर में और आप लोगों को मेला दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या सब चीज़ें, सारी चीज़ की जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे बताएंगे, बने रहिए। इस वीडियो को आप लोग किस जगह से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताइए, तो हमें भी पता चलेगा हमारा वीडियो किस किस जगह पर देखा जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर सब्सक्राइब करना जरूर। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम आईडी को भी भाई फॉलो कर लीजिए। चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं, पूरा मेला का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए रामदयाल सिंह महाविद्यालय ARDS कॉलेज लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई। ये गलत बात है भाई, आप लोगों मत और भाई इस बार बोलबम में डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा, कहीं भी डीजे इस बार नहीं बज रहा है। आगे चलते हम आपको पूरा RDS कॉलेज घुमाएंगे दिखाएंगे। पहले हम आप लोग को मेन रोड से लेकर चलते सोनी मेला 2024 रिएक्शन का स्वयं स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप लोग मेडिसिन यूज कर ले सकते हैं। इस कॉलेज में आपको काफ़ी सारे स्टॉल मिल जाएंगे खाने पीने के, आप लोग देख सकते हैं हर एक चीज़ के स्टॉल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भाई। और यहाँ पे जो है से कि आते हैं तो विश्राम भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा बड़ा फैन लगा हुआ है, ये देखिए पूरे में फैन लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, हम लोग यहाँ जो है से कि विश्राम कर रहे हैं। यह देखिए यहाँ पे बम लोग भी सलाम कर रहे हैं। देखिए आगे चल के दिखते हैं आपको और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झूला उला भी लगे हुए हैं और यह बच्चे लोग देखिए जंप कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। काफ़ी सारी RDS कॉलेज ग्राउंड में आपको झूला लगे हुए हैं, काफ़ी सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। आगे लेकर चलता हूँ दिवाला झूला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी है, इसका क्या प्राइस है टिकट का हम पता करते हैं भाई। इसका प्राइस 60 रुपीज़ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ 60 रुपीज़ लिखा हुआ है। और भी आगे लेकर चलते हैं, यहाँ देखिए ब्रेक डांस हो गया, ये ब्रेक डांस का क्या प्राइस होने वाला है जानकारी लेते हैं काउंटर से। क्या प्राइस है भैया इसका ब्रेक डांस का? 50 रुपया इसका प्राइस भाई, 50 रुपया होने वाले हैं ब्रेक डांस। और एक नाव वाला झूला वहाँ काफ़ी बड़ा है, उसको लेकर चलता हूँ दिखाते हैं आप लोगों को। इस झूले को देखने कितना मज़ा ले रहे हैं सर, देखिए काफ़ी शोर मचा रहे हैं। इसका क्या प्राइस होने वाला है चलो मैं पता करके आप लोगों से बताता हूँ। इसका प्राइस भी 50 रुपीज़ है, यह देखिए इसका प्राइस 50 रुपीज़ वहाँ पे बताया गया है। और 5 से 7 मिनट इसको मतलब कि झुलाया जाता है, काफ़ी सारे आदमी इंजॉय कर रहे हैं देखिए। और आगे भी लेकर चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं थोड़ा, वहाँ पे भी देख सकते हैं देखिए एक बच्चे भी है, बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं देखिए। इसका क्या प्राइस होने वाला है जानकारी लेते हैं भाई। भाई क्या प्राइस है इसका? 40 में चढ़ा। 30 रुपया? अच्छा 30 रुपया प्राइस है, बच्चे लोग इंजॉय करते हैं।
चढ़ लीजिए। और यहाँ पे ये RDS कॉलेज मेले में आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग अमरनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं लाइव घर बैठे। या देखिए अमरनाथ गुफा का वहाँ बैठने के लिए रास्ता ले रहा था, उसका टिकट का क्या प्राइस होने वाला है चलिए हम आप लोगों को बता दें। और यहाँ से आप लोग आते हैं अमरनाथ गुफा में अमरनाथ का दर्शन करने के लिए, तो आप अपना स्लीपर यहाँ पे खोल सक खोलना होगा पहले। और इसके अंदर में देखिए बच्चे लोग जो है कि यहाँ पे इसके रील्स ये सब बना रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते देखिए गाछ भी कितना प्यारा है, यहाँ पे जो है कि लाइट लगाया गया है और पूरा एकदम गुफा बना हुआ है, देख सकते काफ़ी प्यारा काफ़ी सुंदर गुफा बना हुआ है। और यहाँ पे महादेव का शिवलिंग यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग हर हर महादेव आवाज़ से लिखिएगा। और भैया लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे लाइट उत्सव लगा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं देखिए पूरा एकदम नेचुरल गाछ सब जो है से कि ये फूल का लगाया गया है। ये गुफा देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर गुफा बनाया गया है। थोड़ा हा और भी अब आगे लेकर चलते हैं आपको दिखाते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं अमरनाथ गुफा माँ वैष्णो देवी तीन स्थल एवं धाम, आप लोग अंदर जाकर घूम सकते हैं। बस हम आप लोगों को यहीं तक दिखाएंगे तो पूरे में जो है ऊपर में आप लोग देख सकते हैं ऊपर में इतना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए आप लोग आते हैं यहाँ तो आप लोग अमरनाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो देखें पूरा ग्राउंड में जो है सके काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल है, झूला लगे हुए हैं। और अभी हम आप लोगों को लेकर चलते हैं सावनी मेला 2024 अंदर में दिखाते हैं आप लोगों को कि अंदर में हम लोगों को भी क्या सब होता है और कहाँ पे क्या सब होता है। प्रोग्राम देख रहे हैं हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गेट बनाया गया पर्यटन विभाग बिहार सरकार आपका मोबाइल चार्ज कर रहे बम आप लोग। हाँ तो क्या ही करना पड़ेगा। अच्छा तो बम लोग देखिए यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग कर रहे हैं
क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो है से कि ज़रूरत मोबाइल का ही पड़ता है क्या बम जी। तो सारे आदमी यहाँ पे देखिए किस प्रकार जो है झूल लगा कर बैठे हुए, सारे अपना अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। आगे भी चलते हैं दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला वोमेन मोबाइल चार्जिंग, वहाँ महिला वोमेन। यहाँ पे जो है सी आगे चलते हैं दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखिए बम लोग जो है सी के रेस्ट कर रहे हैं। क्या हाल है भैया? देखिए ये लोग साहेब लोग यहाँ पे आए हुए हैं बम लोग, और एक बम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है। रास्ता में सब ठीक ठाक था ना? सब ठीक ठाक। सेवा उवा सब हो रहा है रास्ते में? हो रहा है। अच्छा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं? नहीं है ना। तो यहाँ पे भी जो है से कि मोबाइल चार्जिंग का सुविधा दिए हुआ है, मतलब कि हर जगह पर मोबाइल चार्जिंग का सुविधा दिया हुआ है। और बम लोग काफ़ी सारे बम लोग जो है से कि यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे स्नान करने उन्ने का ये सब सुविधा कहाँ पे है, किस प्रकार है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर पुरुष स्नान घर दिया गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए मिनरल वाटर रखा हुआ है, अगर बम लोगों को प्यास लगेगा तो बम लोग यहाँ पे पानी पियेंगे। देखिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विकास मुजफ्फरपुर सावनी मेला 2024 निःशुल्क शौचालय एवं स्नान घर महिला एवं जेंट्स के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे शौचालय और स्नान घर बनाए गए हैं। नज़दीक चल के हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। बम लोगों को जो है से कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब कि ख्याल रखा गया, ध्यान दिया गया। या देखिए पुरुष स्नान घर यहाँ पे टंकी है, पानी एकदम 24 घंटा रहता है। वहाँ पे काफ़ी सारे हैंड पंप मोटर ये सब लगे हुए हैं, पूरा आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितने सारे यहाँ पे स्नान घर हैं। देखिए और बाथरूम डीएस कॉलेज के अंदर में जो पोखर है, उस पोखर पे देखिए आप लोग जो है से कि पूरा साफ सफाई का एकदम पूरा ख्याल रखा गया। और अंदर में जो है से कि नाव भी है, वहाँ पे नाव भी है। और ख़तरनाक घाट इसको मतलब कि बोर्ड लगा कर इसको जो है से कि बारगेटिंग कर गया है, कर दिया गया है कि कोई भी बम इसके अंदर में ना जाए। और आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ कर विनती करेंगे कि आप बम माता एवं भाई बम लोग अंदर में आप लोग ना जाएं, क्योंकि ये जो है से कि पोखर गड्ढा बहुत है। और यहाँ पे बता भी कि दिया गया ख़तरनाक घाट है, ये चारों तरफ से जो है से कि इसको बारगेटिंग कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए ख़तरनाक घाट पे यहाँ पर NDRF के काफ़ी लोग तीन लोग है यहाँ पे। वहाँ देखिए वो जो है से कि बोट भी रखा हुआ है अंदर में। खुदा न खास्ते भगवान न करे कि ऐसा हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई हादसा होता है तो ये लोग जो है से कि फिर हम तुरंत उसे बचाने का कोशिश करेंगे। देखिए चारों तरफ से जो है से कि बांस बल्ली इसमें लगा दिया गया है। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड। और इस वीडियो को आप लोग किस जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताइए, तो हमें पता चलेगा हमारा वीडियो किस किस जगह पर देखा जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड फैमिली गर्लफ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से उन्हें भी जानकारी मिल जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा।